हेलो दोस्तों, रोज किसान लेखन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस की उत्तरकांड के प्रसंग में किसी भी प्राणी मात्र का जीवन अगर ब्रह्म में लीन हो जाता है और वह ब्रह्म भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है तो उसका मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में परिवर्तन होने लगता है। ज्ञान और भक्ति के सौजन्य से जिस प्रकार से मानव एक परिपक्व मानव के रूप में अवतरित होता है तो उसी प्रकार कालभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक जो उनके जीवन का अभूतपूर्व चारित्रिक विश्लेषण था और जो परमात्मा के स्वरूप में इस सृष्टि के कारक थे और उन्होंने मानव रूप में अवतीत होकर के मानव जीवन के लिए जो परमार्थ और कल्याणकारी काम किए उन्हीं कार्यों के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि में अच्छाई और बुराई के मार्ग में चलने से हमारे जीवन में क्या शुभता आती है, क्या अशुभता आती है, अगर हम निरंतर अपने जीवन को अनेक प्रकार के कलह विषादों में लड़ाई में झगड़ों में व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन अंततोगत्वा कहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। और अगर हम सद्मार्ग और सच्चे भावों का, सच्चे समाज का, सच्चे चरित्र का और सच्चे आचरण का अगर निर्माण करते हैं तो हम कि कहाँ पर खड़े रहते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में मानव जीवन को के अंतःकरण में जागरण यानी जागरूकता की भावनाओं को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से अपार ज्ञान के सौजन्य से रामचरितमानस का की रचना की। दोस्तों, आज के मानव जीवन के लिए ही नहीं संपूर्ण देवी देवताओं सरसर पशु पक्षी सभी के लिए एक प्रकार से प्रेरणा की आधारभूत शिला और स्तंभ के अनुसार हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं, हम जो चीज़ सीखते हैं और जिस प्रकार आज अगर मानव सही रूप में कार्य करता है, विकास के पथ पर अगर वो अपने ज्ञान का संचार करता है तो उसे कितनी उपलब्धि होती है। और वहीं पर अगर वह ज्ञान का अनुचित प्रयोग करता है कि उसके प्रभाव क्या होते हैं, यह कलयुग के प्रभावों को देखने से, कलयुग के परिवेश को देखने से संपूर्ण रूप से हमें ज्ञात हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कालभूषण जी और गरुड़ जी के माध्यम से कलयुग के प्रभावों का वर्णन कराने में वह समर्थवान रहे और कालभूषण जी के द्वारा एक पक्षी के रूप में यानी छोटे से कौवे के रूप में जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, अनेक प्रकार के उनको श्राप मिले थे, उन श्रापों से भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भक्ति भावों का समावेश हमारे अंतःकरण में हो जाता है तो हमको कोई श्राप और वरदान इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। हम उस जिस जीवन में परमात्मा हमको जीवन दान देते हैं हम उसी जीवन में परिपक्व हो जाते हैं।
और अपने मन वचन और कर्म से उसमें आसक्त हो जाते। तो दोस्तों इस कलयुग कलिकाल में का चार चरणों में कलिकाल का प्रथम चरण शुरू हो रहा है इस चरण में ही। तो जब चार चरण समाप्त हो जाएंगे उसके बाद नए युग का निर्माण होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो कालभूषण जी ने गरुड़ जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न से कहा कि ज्ञान और भक्ति संसार में सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन गुरु ने आपको निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की उपासना के लिए कहा था, लेकिन आप उसको किस कारण से नहीं माने। तब कालभूषण जी ने उसके बारे में पूरे भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार के उत्पन्न क्लेशों को हरने वाले हैं और मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बताते हैं, हे पक्षी सृष्टि से साधनों का सुनिए। तब उन्होंने कहा, हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान बैरागी योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला स्वाभाविक ही निर्बल जाति और जन्म से ही जड़ मानी जाती है। हमारे वैदिक काल में दोस्तों नारी शक्ति को आज के 21वीं सदी में जिस प्रकार के नारी का चरित्र चित्रण था, तो बीच में दोस्तों इस प्रकार का कालखंड आया जिसके परिणामस्वरूप यानी माया के स्वरूप में नारी को अबला के रूप में माना गया और संपूर्ण माया मोह के बंधनों का कारण माया यानी नारी को ही बताया। परंतु सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करते हैं तो वैरागीमान और धीर बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। ये दोस्तों कालभूषण जी के द्वारा ज्ञान वैरागी यानी माया स्त्री को माया का स्वरूप माना गया है। तुलसीदास जी को स्त्री के द्वारा इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके परिणाम से उन्होंने इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना की, अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी थी ऐसी जो श्री राम पर हुए ही नहीं भाई नहीं। यानी मेरे चरणों पर जो माया रूपी बंधनों में तुम आसक्त हो वही माया का स्वरूप अगर है परमात्मा राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी परम पिता परमेश्वर के ऊपर अगर आपकी माया का स्वरूप जाग जाए तो आप इस संसार के अनेक प्रकार के मोह माया से लिप्त जितने भी बंधन होते हैं उनसे मुक्त पाएंगे और इस हाड़ मांस के शरीर से आपकी आप हमेशा दूर रहने की इच्छा तुम्हारी प्रबल हो जाएगी। तो इस शरीर के अंदर इस माया रूपी बंधन इसमें जकड़े हुए शरीर को जो तुम्हारी, लेकिन दोस्तों इस सृष्टि के निर्माण के लिए परमात्मा ने इस प्रकार का विधान बनाया है जिसके लिए माया ग्रस्त जीवन में भी दोस्तों हम परमात्मा की भक्ति और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और भक्ति का सही ढंग से निरूपण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर धीर बुद्धि की आवश्यकता है जिसके परिणाम स्वरूप हम जैसी जैसा परिवेश हो जैसा समय हो जैसी देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने में समर्थ होना है। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सुग्रीव जी को दोस्तों युवराज पर दिया था और बाली को वध किया था और बाली के वध करने के बाद भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को स्वतंत्र बना दिया, जबकि सुग्रीव जो है बाली की दर से अनेक कंदराओं में छिपे रहते थे और बाली जो है बहुत बलवान थे, सुग्रीव से ज़्यादा बलवान थे। तो वह पंपापुर में रहते थे और चारों तरफ उनका घेरा था, लेकिन उनकी तरफ हनुमान थे
हनुमान अपार शक्ति के द्योतक थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जब उनकी भेंट होती है पंपापुर में, तो हनुमान जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में उनसे भेंट करते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों, तब सुग्रीव जो है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ उनकी मित्रता हो जाती है और वह लंका में रावण भेजे जाते हैं, रावण वहाँ से माँ सीता की के समाचार लाते हैं अशोक वाटिका में और पूरी लंका को जला जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब सुग्रीव से रामजन की मित्रता हुई, तो उसके बाद सुग्रीव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जब बाली की स्त्री जो सुग्रीव की थी उनको, सुग्रीव को उन्होंने प्राप्त करवाया और दोनों में युद्ध कराया। युद्ध करने के बाद भगवान ने जो है बाली का वध किया, बाली को मोक्ष की प्राप्ति की, क्योंकि बाली अनायासी किसी दूसरी स्त्री यानी पर नारी यानी भाई की स्त्री को अपने पास रखा था, जो मर्यादा के अनुकूल नहीं था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी हमेशा मर्यादा के अनुयायी थे। तो उन्होंने बाली को जो है बाली का वध हुआ तो बाली से उन्होंने जीवित रहने के लिए कहा, लेकिन बाली ने कहा अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथों अगर मेरा मुझे मोक्ष प्राप्ति हुई है, केवल मेरा पुत्र जो अंगद है, अंगद की आप रक्षा कीजिए। मैंने आपके हजारों वर्षों तक जन्म लेने पर भी मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, मैं धन्य हो गया, मुझे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो ऐसे अवसर पर सुग्रीव को उन्होंने राजपद दे दिया, वानरों का राजा बना दिया और युवराज बना दिया वहाँ का। तो सुग्रीव जो है जब पत्नी को पा गए तो उनकी बुद्धि जो है माया में लिप्त हो गई और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भूल गए। तभी यहाँ पर कागभूषण जी ने कहा है दोस्तों कि पुरुष त्याग एक नार ही जो विरक्ति मति धीर न तो कामी विषया वसौ विमुख जो पद रहू, यानी परंतु जो वैराग्यवान और धीर पुरुष होते हैं कोई स्त्री को त्याग सकते हैं और न कि कामी पुरुष। तो सुग्रीव के अंतर्गत काम भावना का उदय हो गया था और वह भक्ति भावों को भूल गए थे। तो परमात्मा ने जब उनको भयभीत करवाया कि तुम अपनी वास्तविकता से हट रहे हो, तब सुग्रीव ने परमात्मा के चरणों में आकर के सिर नवाया, अपनी गलती स्वीकार की और जिसके परिणाम स्वरूप तब सुग्रीव को भगवान की वास्तविक आस्था प्राप्त। तो हरेक मानव इस जीवन में दोस्तों माया से लिप्त होकर के माया से अलग नहीं होना चाहता है। उसके लिए जब तक हमारे अंतर भक्ति और ज्ञान का वास्तविक संचार नहीं है, उसके लिए हमको धीर बुद्धि की आवश्यकता होती है। तब सुग्रीव के अंतःकरण में जागृति हुई। तभी जब भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी ने उनको पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विस्तार से सुग्रीव को बताया, तब सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेज करके अंततोगता हनुमान जी को लंका भेजा और तब सीता जी की खोज ली। यानी वह जिस प्रकार भगवान ने उनको संधि करने के लिए और कहा था, वह सुग्रीव पूरा ही उसको विस्मृत हो गए, भूल गए, यानी भगवान की भक्ति को त्याग करके वह माया में लिप्त हो। तो इसी प्रकार दोस्तों माया के बंधन में फंसने से हम वास्तविक भक्ति परमात्मा के स्वरूप को भी भूल जाते हैं। तो वे ज्ञान के भंडार मुनि श्री, जो ज्ञान के भंडार होते हैं, जो अपार ज्ञान जिनको होता है, सुग्रीव तो बानरों के राजा बनाए गए थे लेकिन मुनि हैं अनेक। नारद मुनि को भी दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्त्री मोह हो गया था और स्त्री मोह देख करके वह उन पर आसक्त हो गए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा जो जन्म जन्मांतर के वैराग्य पुरुष हैं वह
माया में लिप्त हो रहे हैं, तो भगवान राम जी ने उनको उनका रूप परिवर्तन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह सांसारिक माया मोह के बंधनों से विमुक्त होने के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। तो चंद्रमुख यानी सुंदर स्वरूप को देखकर नाराज जी पूर्ण रूप से विवल हो गए। तो विवश इसी प्रकार हरेक मानव, तब कागभूषण जी कहते हैं कि कोई भी मानव इस संसार में, कोई भी प्राणी इस संसार में ज्ञान के भंडार मुनि लोग भी मृगनयनी को देखकर, युधिष्ठि को देखकर, चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्थिर रूप से प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु को भी माया रूप से प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार तो संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ इस संसार में कुछ नहीं है, और वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा था, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। तब कागभूषण जी ने उनको पूर्ण रूप से उसका विस्तार बताया, और इसी विस्तार के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो उन पर आशीर्वाद प्राप्त था, भक्ति के भावों का संचार था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विषय में दोस्तों चारित्रिक दृढ़ता, दृढ़ता का मानक माना गया है, उनका आदर्श का मार्ग माना जाता है। तो रावण के जो अनेक प्रकार के अत्याचार थे, अनाचार थे, अहंकार था, और अनाचार जो समस्त सृष्टि में सृष्टि को उन्होंने पीड़ित कर रखा था, किंतु कोई भी उसे चुनौती देकर उससे युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाता था। और देवमंडल तक यानी जैसे इंद्र हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, वह भी उससे भयभीत रहते थे, और ग्रहों को भी उन्होंने बंदी कर रखा था। नौ ग्रह जो होते हैं, नौ ग्रहों को उसकी आसक्ति में अपने उसमें उन्होंने कब्जे में कर रखा था। तो रावण की इस शक्ति को भगवान श्री राम न परिचित रहे हूँ, वह संभव नहीं है। उनको सब ज्ञात था, क्योंकि वह अंतर्यामी थे। इसके बावजूद श्री राम ने रावण को युद्ध करने का निर्णय किया, क्या? क्योंकि इससे जन मानस में जो है इस प्रकार के भावों का संचार हो, अहंकार और अत्याचार हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से एक विषा यानी एक अभिशाप के रूप में जन्म लेता है, इसी कारण किसी भी तरह के युद्ध को जीतने की उनके पास विशेषज्ञता थी। उन्हें अपने आत्मबल की शक्ति और सत्य की रक्षा का कवच पर पूरा भरोसा था। तो दोस्तों श्री राम के चरित्र में प्रथम दृढ़ता उस समय प्रत्यक्ष स्वरूप में हमको मिलती है, जब रावण वध के लिए शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना के लिए उन्मुख हुए, और इस प्रसंग के अनुसार माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए 108 कमल पुष्पों में कम पड़ गए थे। तब श्री राम ने तय किया कि बचपन में माँ कौशल्या उनकी आँखों की तुलना कमल नयनों से करती थी, कमल के जैसे नयन उनके कहे जाते थे, उनसे उनकी तुलना करती थी। श्री राम जी के नेत्र जो हैं वो खुद अपने तीर से निकाले गए, दुर्गा को चढ़ावा चाहा, तो लेकिन ऐसा करने से पहले ही दुर्गा ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि श्री राम आप परीक्षा में सफल हुए। इस प्रकार माँ दुर्गा ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। और जब भगवान बार बार रावण के वध करने के बाद रामचंद्र जी ऐसा देख रहे थे कि रावण के स्वर जैसे ही निकल रहे हैं, बाणों का प्रहार हो रहा है, तो वैसे ही स्वर फिर जुड़ रहे, तो उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। अगस्त ऋषि द्वारा भगवान सूर्य को दिए गए जो प्रताप था, जो आदित्य कहलाते हैं, तो उस चमत्कार से उस तेज पुंज उनके अंतःकरण में विराजमान हुआ,
जहाँ एक ओर माँ दुर्गा की शक्ति का संचार हुआ, वहीं दूसरी तरफ सूर्य के प्रकाश का पुण्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को जब दुर्गा ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो रणभूमि में उनका लक्ष्य पूरा कर सके हुआ। तो इस प्रसंग में दोस्तों बहुत गहरी अर्थ गूढ़ता से छिपे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विजयादशमी के दिन रावण का जब वध करते हैं, विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, चारों प्रकाश का आलोकन होता है। तो हम अगर सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो स्पष्ट होता है जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें पूरा समर्पण और एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक हमारे अंतःकरण में एकाग्रता के भाव नहीं होंगे, श्री राम द्वारा एक आंख माँ दुर्गा की अर्पित करने का उद्देश्य यही दर्शाता है कि सत्य का पथ एक ही होता है और इसमें अनेकता का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। जबकि रावण के 10 शीश का अर्थ है कि वह जिस जिस दिशा में जाता था उस दिशा में उसका सिद्धांत बदल जाता था, वो सिद्धांत विहीन हो जाता था, और जिसके परिणाम स्वरूप चूँकि दिशाएं हमारी 10 होती हैं दोस्तों, इसीलिए हर दिशा में भिन्न भिन्न प्रकार का आचरण करता था। यही कारण है कि उसकी एकाग्रता उसके अंतःकरण में नहीं, जिसके परिणाम से हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथों से उसका वध किया गया, वह मारा गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एक आदर्श और संकल्पशील व्यक्ति होने के कारण इसीलिए कहा है रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन मिल जाए। तो भगवान का इस प्रकार का आशीर्वाद है तो कायाभूषणी जी को भी भगवान संत मुनि वेद और पुराण के अनुसार जो उनकी नीति थी, जो उन्होंने स्वीकार किया, कौए के रूप में अवतीत होकर भी जिस प्रकार का लंबे समय तक उन्होंने सत्संग किया, तो ज्ञान मुनि ने आपसे जो उन्होंने उस जो गरुड़ जी द्वारा किया हुआ प्रश्न था उसका उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों सम हैं, दोनों ही संसार में अनेक क्लेशों को हरते हैं, बुराइयों को समाप्त करते हैं, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं, और हरिवान सुने ज्ञान वैरागी योग और विज्ञान ये सब पुरुष है, पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला स्वाई भी जो माया रूपी अबला होती है वह स्वाभाविक निर्बल या जन्म से ही यानी कमजोर होती है। तो माया रूपी जब माया हमको घेर लेती है तो हम वास्तविक ज्ञान के आशीर्वचनों को, ज्ञान के प्रभाव को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कल के प्रसंग की मांग दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, शिव और चंद्रदेव का, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है दोस्तों 6:41 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि सुबह 3:42 से 15 अक्टूबर तक रहेगी। आज दोस्तों शतविशाद नक्षत्र है और 12:43 तक, और उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी 3:42 तक, सुबह 15 अक्टूबर तक यानी एकादशी रहेगी। तो यह दिन दोस्तों चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रात दिन विचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक, अमृतकाल आज का 6:08 से 7:36 तक, सायं आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:51 से 5:39 तक, राहु काल आज दोस्तों 7:48 से 9:14 तक प्रातः, इस दौरान किसी भी शुभ कार्य में करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 6:21 तक होगा और सूर्यास्त 5:51 तक। पापाम कुशा
आज एकादशी का व्रत रखने का ध्येय है। एकादशी दोस्तों 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर तक रहेगी उदिया तिथि के अनुसार, और एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों उदिया तिथि के अनुसार व्रत 14 अक्टूबर को संपन्न करने का विधान है। 9:08 तक सुबह 14 अक्टूबर 9:08 13 तारीख से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को 6:41 तक एकादशी समाप्त होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन दोस्तों जो पापांकुशा एकादशी है, इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, जिससे पापांकुशा एकादशी के व्रत करने से हमारे पापों पर जो अंकुश लगा रहता है पाप, तो उससे हमें हमेशा मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी माना जाता है। एकादशी का व्रत दोस्तों शुभ फलदायक माना जाता है। अनेक जन्म जन्मांतरों तक इसकी शुभता के योग हैं, और हम इस जन्म ही नहीं अगले जन्म में भी एकादशी के व्रत के पुण्य फलों का लाभ उठा सकते हैं। यह इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। हमारे पुराणों में दोस्तों ऐसा विधान है कि जाने अनजाने अगर कोई भी पाप हमारे कर्म से हो जाते हैं, क्योंकि कभी हमको हम बच्चे होते हैं हम उस समय जान नहीं पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, या जवानी होती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर जाने अनजाने कोई भी गलत कार्य कर लेता है, तो ये पाप उषा एकादशी का व्रत करने से उसके पापों का अंत हो जाता है। तो इस एकादशी में दोस्तों सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है, और मृत्यु के बाद भी जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और अनेक प्रकार के सुविधा के कारक की जन्म दात्री मानी गई है, और टोटल दोस्तों कुल हमारे पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ मनाई जाती हैं। पापांकुशा एकादशी में दही दूध और फलों का सेवन करना चाहिए। आलू है, साबूदाना है, तो यानी सात्विक भोजन यानी फलाहार भोजन करना चाहिए। शारीरिक अपने शरीर की सबसे बड़ा उद्देश्य इस व्रत का यही है दोस्तों कि हम मन और शारीरिक रूप से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करें, और जिससे हमारे आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे चिंतन में भगवान के प्रति अपार स्नेह के भाव व्यक्त होते हैं। 5 पांडवों में दोस्तों मात्र भीमसेन ने ही यानी इस व्रत को पालन करके आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह उनका जीवन धन्य हुआ। पांडवों में उनका नाम यानी भगवान का आशीर्वाद इस दिन दोस्तों प्राप्त हुआ, और इस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि अगले जन्म में भी यह पीड़ा पहुंचाने के समान होता है, और इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो समस्त एकादशियों में दोस्तों यानी सफला एकादशी सबसे अच्छी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी सफलता की द्योतक होती है। सफलता एकादशी में सभी प्रकार के जिस प्रकार पाप कुशा एकादशी में पापों का अंत होता है, जाने अनजाने हम कोई भी पाप करते हैं तो इस व्रत को करने से हमारे जीवन में पापों का अंत हो जाता है। और सफला एकादशी और जो पुत्रदा एकादशी होती है, इसमें हमको पुत्र सफलता का के भाव मिलते हैं, और सफला और पुत्रदा एकादशी में भी हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का ही द्योतक के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज सोमवार का दिन है, और सोमवार की प्रकृति सम मानी जाती है। भगवान शिव चंद्रदेव को समर्पित यह दिन है। सुख मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार को भगवान शिव पर बेलपत्र है,
मदार के फूल है, भांग है, धतुरा है और चंदन है का लेप करना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त होती है और शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए और अनेक प्रकार से हमारी सेहत के लिए शिव उपासना से, हमारे शिव उपवास करने से हमारे जीवन में जहाँ एक ओर एकादशी है उसी दूसरी ओर सोमवार का दिन है, शिव की भक्ति करने से अनेक प्रकार की सुखता के मनक हमारे जीवन में सुखता आती है। इस दिन भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करने और पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव जब सृष्टि में कुछ नहीं था मात्र शिव ही थे दोस्तों। सोमवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन में नए कार्यों को करने के लिए, इन्हीं इसी दिन से हम नए कार्यों को अपने जीवन में करते हैं जिससे हमारे कार्यों में शुभता के भावों का संचार होता है और अनेक प्रकार से हमारे जीवन में शुभ होता है और हमारा जीवन जो है अनेक प्रकार से संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान शिव थोड़े ही अगर हम थोड़ी भी भक्ति करें तो भगवान शिव उसी भक्ति से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो भगवान शिव शांति के मानक माने गए हैं, शांति के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए शिव की साधना की देवताओं में दोस्तों शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता, विध्वंसकारी है। शिव के संबंध में शास्त्रों में और वेदों में वर्णन मिलता है और सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव ही थे ऐसा कहा जाता है। प्रलय के बाद शिव ही शेष रहेंगे, शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है। भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की जब उन्होंने रावण का वध करके वह अयोध्या की तरह लौट रहे थे। तो इस प्रकार सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, इसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था, तब शिव ने सूर्य की उत्पत्ति करके दिन रात की रचना की। यह ब्रह्मा कहलाए, शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विस्फोट किया था जिसके परिणामस्वरूप नीलकंठ कहलाए। तो समुद्र मंथन के समय जब सूर और देवता असुर भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विस्फोट करके देवताओं को विपत्ति से मुक्ति की। तो इस प्रकार शिव की साधना प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। ओम शिव के अनेकों नाम हैं दोस्तों, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर, महादेव और अनेक और नागेंद्र हाराय। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन एवं मंगलकारी मानी जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना जाता है और शिव पूजा शिवलिंग की मूर्ति की पूजा करने का विधान है। त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धं उर्वा रुक्मि वंदना मृत्योर मोक्षी मार्ता ओम 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 नमः शिवाय। इसमें दोस्तों सभी चीज़ें ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है। अनिष्टकारी जो बाधाएं होती है वह समाप्त हो जाती है। तो शिव में दोस्तों बेलपत्र है, फल फूल जल अर्पण करना चाहिए और शिव भोले भंडारी कहलाते हैं और शिव की पूजा करने से और भगवान शिव की पूजा तड़के सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करने से अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार होता है, शांति का सृजन होता है, प्रसन्नता जीवन में आती है। आराधक का कोई भी साधक होता है, आराधक होता है, उसका कल्याण होता है ऐसा शिव की। तो इसी अनुरूप में दोस्तों इसी क्रम में यानी काकचंडी जी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अपार और ज्ञान के भंडार मुनि के बारे में भी इस प्रकार की बातें की कि माया के बंधन में फंस करके हम भक्ति के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ न पक्षपात पतु राखहूँ, वेद पुराण संत मन भाषहूँ, मोह न चार नार की रूपा, पन्न गार कर रीत। तब वह कहते हैं यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, यानी हमारा मेरा पुरुषों और
स्त्रियों पर कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। स्त्री माया की स्वरूपा होती है, और क्योंकि वेद पुराण और संतों का वेद पुराण संत मत भाषों सिद्धांत भी यही कहना है, उन वेद पुराण और संतों का मत यही है, सिद्धांत यही है कि हे गरुड़ जी, मोह न नारी नारी के रूपा कि यह अनुपम विलक्षण रीति है, और कि एक स्त्री रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। जिस प्रकार एक स्त्री की प्रशंसा को सुनकर दूसरी स्त्री प्रसन्न नहीं होती है, तो यह सृष्टि का विधान है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है। यानी हम एक विद्वान होता है दूसरे विद्वान की उन्नति नहीं चाहता है, और एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रगति नहीं चाहता। इसी प्रकार एक स्त्री जो है वह दूसरी स्त्री की सुंदरता का वर्णन अपने सामने नहीं करना सकती है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यही भाव जो है तुलसीदास जी ने काकभूषण जी के माध्यम से ज्ञान की वास्तविकता को खोजते हुए जो भाव प्रकट किए हैं, माया भक्ति सुनो तुम दो, तो आप सुनिए माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की माया है, भक्ति है, ये जो है स्त्री वर्ग से ही शुरू हुई है, और नारी वर्ग जानो सबको। फिर रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, और ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं यह सब कोई जानते हैं, सभी को यह मालूम है। लेकिन फिर पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को तो भक्ति प्यारी है, उन्होंने अनेक बार सीता जी को भी अनेक प्रकार से जो अग्नि में उन्होंने उनकी परीक्षा ली, तो पवित्रता की मानक नारी को माना गया है, तो रघुवीर जी भी इस भक्ति को चाहते थे कि माया विचारी जो है, माया खलु नर्तई विचारी, माया विचारी तो निश्चय ही नाचने वाली या नटी नटनी मात्र है। तो माया जो है ये हमारे जीवन में हमेशा घूमती रहती है, चक्कर मारती रहती है। तो स्त्री और पुरुष तो एक रूप है, एक प्राणी है, लेकिन हम दोनों के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में एक माया ऐसी है जो हमारे भवबंधनों में हमको बांधने का प्रयास करती है। तो रघुपति सानुकूल रघुराया ताते ते ही दर्पय दि माया। तो कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं कि काकभूषण के द्वारा गरुड़ जी को समझाते हैं कि भगति ही सानुकूल रघुराया, श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। ताते ते ही दर्पय दि माया, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। भक्ति से माया हमेशा डरती है, जिसके परिणामस्वरूप राम भगत निरुपम निरुपाधि, यानी जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा या रोक टोक के बसती है। अगर हमारे अंदर माया रूपी जो अज्ञानता है वह हमेशा अगले समाप्त हो जाएगी, तो हमारे में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति का संचार होगा, हम जीवन के वास्तविक सुख की अनुभूति करने में सक्षम हो जाएंगे। ते बिलोक माया सकुचाई, यानी ऐसा देख कर माया सकुचा जाती, जब भक्ति के वास्तविक स्वरूप में माया का प्रवेश हो जाता है तो वह अपने को खुद ही संकोच उसको हो जाता है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारी इंद्रियों को वशीभूत करके हमारे जीवन को भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त करती है। तेज विलोक माया सकुचाई, करे न सके कभी प्रभुताई, उस पर वह अपनी प्रभुता का अपने बल का प्रभाव नहीं कर सकती है, और उसको हम अपने अनुरूप नहीं चला सकती है।
भक्ति माया को बदल सकते हैं, नहीं माया भक्ति को नहीं बदल सकती है, और भक्ति का सही स्वरूप हमारे सामने अवतरित होता है। तो दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा है, हम सामाजिक परिवेश में आज भी देखते हैं, जो पूर्ण रूप से यानी सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं, तो वह लोग अपने गृहस्थ को भी छोड़ देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप यद्यपि यह ठीक नहीं है, गृहस्थ आश्रम में मर्यादा भूषण भगवान राम जी ने गृहस्थ के जीवन को भी सबसे अच्छा जीवन बताया है। गृहस्थाश्रम में रह करके हम अगर भक्ति के सही स्वरूप में जहाँ पर हमको अगर उसका सही ढंग से निर्वहन करें, तो गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है जिसमें हम परमात्मा की भक्ति के साथ मानव कल्याण कर सकते हैं, अनेक प्रकार के सत्यता के भावों का संचार कर सकते हैं, किसी प्रकार के पाप पुण्यों से अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और अनेक प्रकार के अभिशापों से हम बच सकते हैं। तो तेही विलोक माया सुकताई कर न सकई कथु निर्प्रोताई, उसे देखकर माया अपने आप ही लज्जित हो जाती है और उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती है। अशुविचार जी मुनि विज्ञानी, ऐसा विचार कर ही तो विज्ञानी मुनि बने हैं, ऐसा सोच कर इस प्रकार की सोच समझ रखने वाले जो मुनि हैं वही विशारदता हासिल करते हैं, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपार विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, और वही जाँच ही भगत सकल सुखानी, वही सब सुखों की खानी की भक्ति की याचना करते हैं। सुखों की खानी जब भक्ति का परम श्रेय हमको मिल जाता है, भक्ति के अंतिम चरण पर हम पहुंच जाते हैं, भक्ति का वास्तविक लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है, तब हमको जो है तब हम जान जाते हैं कि स्वप्न में यानी हम जान जाते हैं कि विज्ञानी मुनि और सुखों की खानी, खान जो है अपार भंडार, जो सुख का वास्तविक सुखों की जो खान है वह भक्ति ही है, यानी उसे देखकर माया स्वयं ही संकुचित हो जाती है कि मैं किस बंधन में आई। भक्ति का तो बड़ा विशाल स्वरूप है, लेकिन माया का स्वरूप एक सीमित है या एक सीमित दायरे में रहता है, इसका संकुचित क्षेत्र है, लेकिन भक्ति का क्षेत्र बड़ा अपार है, बड़ा बड़ा विशाल है, तो उस पर यह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं करा सकते हैं। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि वे भी सुख की खान भक्ति की याचना रात दिन करते रहते हैं। इसीलिए अनेक जगहों पर जो भवबंधनों से मुक्ति विरक्ति पा लेते हैं वह परमात्मा की खोज में परमात्मा के वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करो बेग न जाने को, तो श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जो गुप्त रहस्य है, जो गुप्त मर्म है, यह रहस्य रघुनाथ करो बेग न जाने को, जल्दी कोई नहीं जान सकता। कि मैं तो इसको इसलिए समझ गया कि हे गरुड़ जी, परमात्मा ने जब मैं अपार भक्ति में उनके वात्सल्य वर्णन को देख रहा था और जब परमात्मा ने मेरे को मेरी भक्ति में खुश होकर के मेरे भक्ति और प्यार के स्नेह को देख करके उन्होंने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड की पूरी छत्रछाया को मेरे को दिखाया और जगत के सारे जगत के सारे जो सृष्टि की लीलाएं हैं उनको मुझे दिखाया, तो मैं भयभीत हो गया। तो तब मुझे भगवान की भक्ति का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब मैं उसके अंदर भयभीत हो रहा था तब भगवान समझ गए कि ये तो भयभीत हो गया छोटा सा प्राणी मन के, वह उनके मुँह के अंदर गए थे और मक्खी के रूप में वह उनके अंदर प्रवेश हुए और पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये भगवान के का ही अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने काकभूषण जी को अपने पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप का दर्शन करवाया, और जिसके परिणाम स्वरूप भयभीत होकर के काकभूषण जी बाहर आए, तब भगवान हंसने लगे, तब उन्होंने पूर्व लीला अपना वात्सल्य वर्णन में आ गए, छोटा सा रूप अपना वात्सल्य का रखा, उसी को देख करके उनको विस्मृत करने का भाव हुए। तो काकभूषण जी ने जब भक्ति के इसी स्वरूप को प्राप्त करके उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया, तब वह कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का यह गुप्त जो रहस्य है बेग न जाने को, जल्दी कोई नहीं जान सकता है। जब तक हम उसके अंदर गूढ़ता में न जाएँ, जब तक हम भगवान की वास्तविक आशीर्वाद को न प्राप्त करें,
जब काग घुसने के लिए आकाशवाणी होती थी, आपको आकाशवाणी की हुई कि जब गुरु उनको निर्गुण ब्रह्म की ओ ले जा रहे थे, तब उन्होंने आकाशवाणी की कि यह तो मेरा भक्त है, यह जो है मेरी भक्ति में लीन है। तब आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप गुरु ने सगुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग उनको बताया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक रहस्य का उनको ज्ञान कराया, जो कायकुसुमी को पहले ही मालूम था। जो जानहीं रघुपति कृपा सपनों मोहन हो, श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो लोग जो जान जाते हैं, उसे स्वप्न में भी कभी मोह माया कभी उनके नज़दीक भी नहीं आती। तो वास्तविक जो परमात्मा की वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सांसारिक मोह माया से हमेशा के लिए विरक्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए मुक्ति पाए जन्म मरण के बंधनों से। इसी प्रकार कागभूषण जी को भगवान शिव ने भी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और जहाँ वह जा सकते हैं तथागति यथागति, यानी जहाँ वह जा सकते थे वहाँ जाने का उनको किसी से भी कोई समय देने की आवश्यकता नहीं। जब भक्ति हमारी प्रगाढ़ हो जाती है, हम भक्ति में लीन आ जाते हैं, भक्ति का साकार रूप अवतीत हो जाता है, तो हमको वास्तविक ज्ञान का सृजन हमारे हृदय में होता है। और हूँ ज्ञान भगत करो भेद सुनो, और हूँ ज्ञान भगत करो भेद सुनो सुखवीन, जो सुनी हो ये राम पदो प्रीत सदा अलछ। यानी हे चतुर गरुड़ जी, अब जो मैंने आपको पूरा विस्तार से जो वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का बताया, और हूँ ज्ञान भगत करो भेद सुनो सुप्रवीण, यानी ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए। ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या होता है, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरण में सदा एकाएक तार यानी अविच्छिन्न कहते हैं प्रेम हो जाता है, वही भक्ति होती है। जो अविच्छिन्न, जिसको कोई भी उसको विघटित नहीं कर सकता है, कोई भी उसको दूर नहीं कर सकता है, परमात्मा से के सानिधि में परमात्मा में जो विलीन हो जाता है उसको कोई भी दावदार नहीं कर सकता है। तो तब वह कहते हैं कि गरुड़ जी को जिस प्रकार से गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा कि मतलब जब मुनि आपको ज्ञान दे रहे थे तो आपने उस ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त किया, तब कागभूषण जी ने संपूर्ण ज्ञान और माया का क्या जीवन होता है, ज्ञान और माया में क्या अंतर होता है, और हम ज्ञान की पराकाष्ठा में कैसे पहुँचते हैं और भक्ति के स्वरूप को कैसे साकार रूप में कैसे प्राप्त करते हैं। तो और हूँ ज्ञान भगत करो भेद सुनो सुप्रवीण, हे सचुतर यानी चतुर सहित जो चतुर्वाणी कहने वाले गरुड़ जी हैं, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए। वह है कि जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एकातार एक लगातार प्रेम की अनुभूति प्राप्त होती है, फिर आप जो है कभी भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं करेंगे। तो जब परमात्मा की वास्तविक भक्ति का साकार स्वरूप हमारे सामने अवतीत हो जाता है, हमारा ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमारे चित्त में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, हम हमेशा परमात्मा के नाम जप में अनुरक्त हो जाते हैं, तो हमें हर कार्य हर कर्म को करते समय परमात्मा का ध्यान आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भय रहित हो जाते हैं, दोष रहित हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों से हमारी व्यक्ति हो जाती है। तो भगवान का अगर सही आशीर्वाद, भगवान का सही शरण हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम अपने जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से हमेशा के लिए तृप्ति दूर होकर के और हमेशा ज्ञान रूपी प्रकाश का संदर्भ करते हैं, हमें हर जगह भगवान साकार रूप में प्रतीत होते हैं। इस प्रकार का चरित्र चित्रण जो तुलसीदास जी ने कागभूषण जी के जीवन से ज्ञान और भक्ति के स्वरूप और माया और भक्ति में और भक्ति और ज्ञान में क्या क्या वास्तविक स्वरूप है, उसका सही ढंग से जो वर्णन किया है, वह मानव जीवन के लिए इस प्रकार का बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इसी से हम अपने चरित्र में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने चारित्र चरित्र को आदर्शता के मानकों में प्रमाणित करके पूरे रामचरितमानस का तुलसीदास ने चरित्र चित्रण किया और उस ग्रंथ का निर्माण किया, तो हमारे अंतःकरण में ऐसे भावों का अगर संचार होगा,
हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो रामचरितमानस के भावों को प्रत्येक भी दोस्तों युवा शक्ति को भी इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सार्थकता के स्वरूप में बांधने के लिए कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हम किसी भी रूप में अपने जीवन को जीवन में प्राप्त करें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें, अपनी उन्नति करें, अपने समाज की उन्नति करें, देश की उन्नति करें। तो इस प्रकार के प्रेरणादायक बातों को सुनकर के हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबसे सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कागभूषणी जी के अंतःकरण में जो भक्तिभावों का संचार हुआ और गरुड़ जी को जिस प्रकार से उन्होंने आसक्त किया, उनको उनके संदेह को दूर किया, यह तुलसीदास जी का मार्मिक चित्रण है जो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है।